और इस वक्त दूसरी बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां ओरमांझी में ट्रिपल मर्डर हुआ है, जिसमें दो महिलाएं समेत एक व्यक्ति की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि मामूली से विवाद में तीन लोगों की हत्या की गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता काजल फोन लाइन पर जुड़ी है। काजल, क्या था पूरा मामला और यह हत्या की जो सूचना है कब मिली है? जी तानिया, ये हत्या की सूचना फिलहाल कुछ देर पहले ही मिली है, जिसमें कि वहां के आसपास के लोगों के द्वारा ओरमांझी थाना में कॉल किया गया और ओरमांझी जो थाना है वो जो मौके पे पहुंची हुई है और वहां पे छानबीन कर रही है। साथ ही साथ ये भी पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये मामला पहली दफा हुआ है, इससे पहले भी लड़ाई झगड़े हो चुके थे। हालांकि फिलहाल ये काफी ज्यादा बड़ा मामला हो चुका है, एक नया मोड़ ले चुका है इस मामले ने और तीन लोगों की जो है जाने जा चुकी है। सीधी बात इतनी ही थी कि जो है दूसरों के मतलब अपने गोतिया लोगों का फसल खाने के कारण, जिसमें एक गोतिया के सुअर ने दूसरे गोतिया के यहाँ का फसल खा लिया, जिसे लेकर के दोनों में विवाद हुआ। और एक ही परिवार के अगर कहा जाए तो एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही गोतिया है, दोनों में सभी लोगों में बहुत बुरी तरीके से मारपीट हुई, जिसमें की लाठी डंडा कुदाली दबिया जो मिलता गया सभी चीजों से लगातार जो है मारपीट होता रहा। जान जाने वालों में से दो महिलाएं थी और एक पुरुष था, जो कि लगभग सभी लोग जो है एक ही घर के रहने वाले थे। और ये सारी घटना जो है आज ही की है और सारी चीजों को वारदात अंजाम देने के बाद जो वहां के लोग हैं वो लोग काफी ज्यादा, हालांकि पूरा गांव सहमा हुआ नजर आ रहा है और उस जो गोतिया है वो आसपास के लोग सभी लोग शामिल हुए हैं। अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर उन गोतिया के लोगों में से किनका किनका हाथ था। ये फिलहाल जो ये पुलिसिया मामला है, पुलिस जांच कर रही है पूरे मामले की। पुलिस जांच में अभी तक क्या कुछ निकल कर आ पाया है सामने, क्या आपको इसकी जानकारी है? फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है तानिया, चूंकि पुलिस जो है कुछ देर पहले ही जो घटनास्थल पर पहुंची है कुछ देर पहले ही, और पुलिस खुद अभी पूरी जांच में जुटी हुई है। और जितना जल्दी हो सके, पुलिस ने ये जरूर कहा है, आश्वासन जरूर दिया है कि जितना जल्दी हो सके जो भी अपराधी है उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और जो भी मामला है वो जल्द से जल्द सभी लोगों के सामने होगा। तानिया जी, बिल्कुल, धन्यवाद काजल पूरी जानकारी के लिए। और हम आपको बता दें कि ओरमांझी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर तीन हत्या की गई है, गोतिया की लड़ाई में तीन लोगों की हत्या की गई है। इसमें अभी तक मामला साफ तौर पर सामने नहीं आ पाया है, लेकिन जिस तरह से मामला सामने आ रहा है, फसल खाने का मामला है, एक गोतिया के सुअर ने दूसरे गोतिया के खेत में जाकर फसल खाया है, इस छोटे से मामले पर यह तीन हत्या की गई है। हालांकि पुलिस पूरी जाँच में जुटी हुई है।